खाने वाला गोर हो जाए गजीब गजीब। हाँ उसका मम्मी पापा का डीएनए करिया वाला है तो तुमको केसर और केला खा से गोर हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। सुनिए अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। देखिए इससे पहले वाले हम क्लास में आपको बताए थे कि नर जनन तंत्र क्या होता है, और आज उसी का सेकंड पार्ट आप देखेंगे कि मादा जनन तंत्र क्या होता है। ये दो चीजें आपका इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें याद कीजिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मादा जनन तंत्र या नर जनन तंत्र जो जनन क्रिया भाग लेता है ना वो जनन तंत्र होता है। जैसा हाथ जनन क्रिया भाग लेता है नहीं लेता है, तो ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है। तो जनन तंत्र भाग लेने वाले जो अंग होते हैं या तंत्र होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जनन तंत्र। देखिए कोई भी अगर स्टूडेंट है मतलब कोई भी मनुष्य है तो उसमें दो लक्षण होते हैं, एक प्राथमिक लक्षण होता है प्राथमिक, और एक जो होता है ना द्वितीयक लक्षण होता है द्वितीयक। प्राथमिक लक्षण उसको कहते हैं जिससे तुम्हारी पहचान हो, और द्वितीयक लक्षण उसको कहते हैं जो तुम 10-12 साल को हो जाओगे उसके बाद आएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं द्वितीयक लक्षण। तो देखिए तो लड़का का प्राथमिक पहचान क्या है, अगर लड़का जन्म लेता है तो लड़का की पहचान क्या होती है, वो उसके अंदर में टेस्टिस है या नहीं, उसका प्राथमिक पहचान होगी। अगर लड़की है तो लड़की के अंदर में पहचान क्या होता है कि उसमें गर्भाशय या अंडाशय है या नहीं, तो वो उसका प्राथमिक पहचान होता है। जैसे लड़का है तो लड़का में सबसे पहले अगर जन्म लेता है तो उसको क्या देखा जाता है कि उसको अंदर में टेस्टिस है या नहीं। टेस्टिस क्या होता है इससे पहले वाली क्लास में हम आपको अच्छी तरह से बता दिए हैं कि जो पुरुष होता है ना पुरुषों के अंदर यानी मेल होने का मेन पहचान क्या है, टेस्टिस। दो जोड़ी क्या होती है, टेस्टिस। इसे जो लेयर लगा हुआ रहता है इसे हम लोग बोलते हैं वृष्णकोष। अब ये जो चीजें होती है ना इसे हम लोग प्राइमरी प्राथमिक बोलते हैं, और द्वितीयक लक्षण क्या होता है कि द्वितीयक देखिएगा कि कुछ दिन के बाद मोछ दाढ़ी सब आ जाता है, बाल निकलने लगता है, तो ये सब जो होता है द्वितीयक पहचान है। इसी तरह से लड़कियों में भी प्राथमिक पहचान और द्वितीयक पहचान होती है, यानी कि द्वितीयक पहचान की लक्षण है कि जब आप किसी से अट्रैक्ट होने लगो तो समझो कि वो आपके अंदर में द्वितीयक लक्षण शुरू हो गया है, लेकिन प्राथमिक लक्षण आपको जन्म से रहता है। तो इसमें आप देखिएगा तो मादा जनन तंत्र में भी याद कीजिए कि दो लक्षण होगी, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो प्राथमिक लक्षण याद कीजिएगा कि हम लोग तंत्र की बात करें तो प्राथमिक लक्षण ही ये है, द्वितीयक लक्षण नहीं। हाँ द्वितीयक लक्षण कब होगा, जब हम लोग इसके बाद वाली क्लास पढ़ेंगे कि इसके अंदर में क्या क्या फंक्शन होता है, उसमें हम लोग समझेंगे कि द्वितीयक लक्षण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं मादा जनन तंत्र क्या होता है। देखिए मादा का वह तंत्र जो जनन क्रिया में भाग लेता है, मादा की वह तंत्र जो जनन क्रिया में भाग लेता है जनन तंत्र कहलाता है, मादा में यानी फीमेल में। तो फीमेल में जो जनन क्रिया में भाग लेता है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है येप सिस्टम। इसके अलावा आप देखिएगा तो जनन तंत्र में जनन क्रिया में कोई हिस्सा नहीं लेता है। जैसे याद कीजिए कि अब द्वितीयक लक्षण का पहचान क्या है कि जो स्त्री यानी कि फीमेल होती है उसकी स्तन उभरने लगता है यानी बड़ा होने लगता है, तो वो जनन क्रिया में भाग नहीं लेता है। जो उसका स्तन होता है यानी स्तनपाई होता है, जैसे ममिलिया के स्तनपाई है, तो इसमें क्या होता है हम लोग किसमें आते हैं, स्तनपाई में। वो अलग बात है कि जो गर्ल्स बॉयज होता है उसका स्तन की आकार नहीं बढ़ता है क्योंकि हमारे अंदर में वो हार्मोन्स होता ही नहीं है, लेकिन लड़कियों में क्या होता है वो हार्मोन्स होता है तो उसकी आकार क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बट ये जो सिस्टम होता है यानी कि जो आपका ब्रेस्ट होता है वो ब्रेस्ट आपका जनन तंत्र का हिस्सा नहीं होता है, वो जनन तंत्र का हिस्सा नहीं होता। जनन तंत्र का हिस्सा हम अभी भी बताएं कि आपको वही तंत्र होगा जो जनन क्रिया में भाग लेता है। अब बताएं कि ब्रेस्ट की जो काम है वो जनन तंत्र का काम है, मतलब जनन क्रिया में भाग लेता है जी नहीं, उसका काम तो है कि बच्चा जब होता है जन्म लेता है उसके बाद जो भोजन के रूप में उसको दूध पिलाया जाता है उसमें वो भूमिका निभाता है, तो वो आपका जनन तंत्र नहीं है। तो हम लोग को पढ़ना है जनन तंत्र। देखिए मनुष्य में देखिएगा फीमेल में, तो फीमेल में दो जोड़ी अंडाशय होता है, दो जोड़ी अंडाशय होता है, जिसमें अंडाणु रहेगा उससे अंडाशय, और जो अंडाणु होगा उसे हम लोग बोलते हैं एग्स या ओवम। अब याद रखिएगा कि जो महिला होती है महिला में बचपन से ही
यानी कि जन्म से ही उसके अंदर बहुत सारे अपरिपक्व है, यानी कि विकसित नहीं, अपरिपक्व का मतलब विकसित नहीं, बहुत सारे अंडाणु होते हैं दोनों में, यहां भी होगा दोनों में, ठीक है। और यही अंडाणु जब विकसित होने लगता है, विकसित होने लगता है, तब हम लोग कहते हैं कि इसके अंदर में द्वितीयक लक्षण आ गया है। जब तक उसके अंदर में द्वितीयक लक्षण नहीं आएगा, वो चटर पटर करबे नहीं करेगा, और जब चटर पटर करे लगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। तो अगर करे लगा तो समझ जाना कि उसके अंदर में द्वितीयक लक्षण है। अब देखिए यहां पर देखिएगा तो अंडाशय है, अब देखिए अंडाशय और ये वाला हिस्सा जो आपको बड़ा सा दिख रहा है, इसको गर्भाशय बोला जाता है, इसे गर्भाशय बोला जाता है। अंडाशय और गर्भाशय के बीच में एक पाइप होती है, अंडाशय और गर्भाशय के बीच में एक पाइप होती है, जैसे ये अंडाशय है और एक गर्भाशय, तो इसके बीच में यहाँ पास एक क्या है, पाइप है। तो इस पाइप को यानी कि अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने वाली पाइप को क्या बोलते हैं, अंडवाहिका बोलते हैं, या अंग्रेजी में फिलिपियन ट्यूब बोला जाता है। तो अंडाशय और गर्भाशय दोनों को जोड़ने वाली जो पाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं अंडवाहिका। देखिए अंडवाहिका क्या होती है, अब देखिए कि इसमें दो जोड़ी अंडाशय है, तो जाहिर सी बात है कि दो जोड़ी क्या होगा, फिलिपियन ट्यूब होता है। अब यहां से सवाल पूछ सकता है कि महिलाओं में अंडाशय अंडाणु कब बनता है, तो अंडाणु बनल रहता है सुरमे से, यानी कि जन्म से ही बनल रहता है, लेकिन वो परिपक्व नहीं होता है। परिपक्व होता है उसके बाद, वो हर मंथ में एग रिलीज करता है, और उसके बाद की जो आगे मुझे पढ़ाया पढ़ाएंगे आपको कि वो एग रिलीज करता है तो उसको क्या होता है। तो यहाँ पास देखिएगा तो ये वाला हिस्सा आपका क्या होता है, अंडाशय, और एक क्या होता है, ये भी अंडाशय। तो स्त्रियों में कितनी जोड़ी अंडाशय होती है, एक जोड़ी, यानी कि अंडाशय की कुल संख्या कितनी होती है, दो होती है, अंडाशय की कुल संख्या दो, एक और एक दो, तो दो अगर अंडाशय है तो दो को फिलिपियन ट्यूब ही होगा। अब समझिए कि एक गर्भाशय होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय, और इस यूट्रस को बोला जाता है, और इस गर्भाशय से एक नली जुड़ा हुआ रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं योनि, या अंग्रेजी में बोले तो वैजिना, योनि या वैजिना। तो देखिए रियली में देखिएगा ना, तो इसमें हम बताए थे आपको कि मनुष्य यानी कि पुरुषों में अगर देखिएगा तो यूट्रस टेस्टिस क्या होता है, मेन सिस्टम होता है रिप्रोडक्शन का, मेन सिस्टम होता है, और इससे जुड़ा लेक क्या होता है, पेनिस होता है, होता है कि नहीं। तो ये पेनिस का कोई काम है, पेनिस का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता प्रदान करता है कि आपको इस रास्ते से होकर करके जाना है। अगर किसी को पेनिस काट दिया जाए तो क्या लगता है कि वो लड़का नहीं होगा, होगा, लेकिन उसका पेनिस काटने का मतलब है कि इसका रास्ता क्या हो गया, कट चुका है। तो यहाँ पास देखिएगा तो महिलाओं में भी ये जो योनि होता है ना, योनि कुछ नहीं है, योनि क्या है, एक रास्ता है, जैसा पुरुषों में एक योनि पेनिस होता है, उस तरह महिलाओं में क्या होता है, योनि होता है। तो योनि भी एक क्या है, एक रास्ता प्रदान करता है, और इस रास्ता से ही आपका टॉयलेट होगा, स्पर्म अंदर जाएगा, या इसको और भी चीजें होती है। अब देखिए एक चीज यहां समझिएगा कि ये जो योनि है, इस योनि में आप देखिएगा लड़कों में देखिएगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही को छिद्र होता था, इसी छिद्र से टॉयलेट भी बाहर आता है, लेकिन मूत्र भी बाहर आता है, और इसी टॉयलेट इसी छिद्र से स्पर्म भी बाहर आता है। लेकिन लड़कियों में ये वाला सिस्टम नहीं होती, लड़कियां में देखोगे तो दो छिद्र होती है और एक इसके अलावा एक और होता है। तो लड़कियों में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, यहाँ पास ये वाला हिस्सा कुछ उठल टाइप के रहेगा, यानी कि मतलब दाना टाइप के रहेगा, जैसे आदमी ने मांसा उसा निकल जाता है, तो उस तरह से क्या होता है, इसका ये वाला हिस्सा सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरस, ये क्या होता है, क्लाइटोरस होता है। और इसके जस्ट नीचे आइएगा तो यूरेथ्रा होता है, इसके जस्ट नीचे आइएगा तो जो फर्स्ट छिद्र मिलेगा यहाँ पास, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूरेथ्रा बोलेंगे, ये क्या होगा आपका, यूरेथ्रा। और जबकि ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइटोरस बोलते हैं, इसको आप मासा की तरह समझ सकते हो, और यूरेथ्रा होता है। उसके बाद फिर जैसे आइएगा तो निचला जो छिद्र होता है, सबसे नीचे वाले जो छिद्र होती है, इसे बोलते हैं वल्वा, वल्वा, या इसी को लोग योनि भी बोल देता है। तो रियली में बलवा ही सही वर्ड है। तो देखिए इसमें होता क्या, आप इसका फंक्शन समझिए कि ये जो क्लाइटोरस है, ये तुमको सबसे ऊपर हिस्सा में मिलेगा, और जैसे उसके नीचे आइएगा तो वो मिलेगा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, आप इसको समझिए कि पुरुषों में क्या था कि अगर स्पर्म बाहर आ रहा है
तो आप टॉयलेट कर ही नहीं सकते हैं, या टॉयलेट कर सकते हैं तो आपका स्पर्म बाहर आ ही नहीं सकता है। लेकिन जब इस चीज को आप महिलाओं में समझिएगा तो याद रखिएगा कि यूरेथ्रा जो होता है पेशाब करने का रास्ता होता है, यानी टॉयलेट करने का रास्ता होता है, और जबकि ये बलवा होता है ये योनि का रास्ता होता है, यानी कि ये वाला जो इससे जो पाइप लगेगा ना, ये पाइप जाके कहाँ खुलता है, गर्भाशय में, जबकि इसका जो छिद्र होता है इसका पाइप जाके कहाँ खुलेगा, मूत्राशय में, इसका पाइप खुलेगा मूत्राशय में, जबकि इसमें अब देखिएगा तो इसमें ऐसा था, इसमें नहीं, चाहे तो इस छिद्र में जाओ या किसी भी छिद्र में जाओ, मतलब कि यहाँ अगर जाना है कि यहाँ ये जहाँ वृष्ण कोष यानी कि शुक्राशय में जाना है या तो फिर आपको मूत्राशय में जाना है, दोनों जाने के लिए आपका एक ही रहता था, किसमें, पुरुषों में, जबकि महिलाओं में देखिएगा तो ऐसा नहीं है। महिलाओं में जो टॉयलेट की रास्ता होता है उसको यूरेथ्रा बोला जाता है, इस यूरेथ्रा से क्या करती है उन लोग टॉयलेट करते हैं, और जस्ट यूरेथ्रा के नीचे जाइएगा, जस्ट यूरेथ्रा के नीचे तो ये आपका होता है बलवा, और ये होता है योनि। ये जो होता है ना ये काम करता है जब इसको मतलब पीरियड्स वगैरह आते हैं, एमसी आती है उस समय। अब इसको समझिए कि ये जो आपका बलवा है, बलवा, इस बलवा के नीचे जस्ट नीचे जाइएगा तो मिलेगा आपको एनल, उसको क्या बोला जाता है, एनल, यानी कि लैट्रिन करते हैं तो लैट्रिन जिस रास्ते से आता है उस छिद्र को एनल बोला जाता है, उस छिद्र को बोला जाता है एनल। तो बलवा के जस्ट नीचे जाइएगा तो क्या मिलेगा, एनल। तो एनल तो दोनों में कॉमन है, यानी कि आपको पुरुष में भी मिलेगा, ऐसा थोड़ा कि लड़का लोग टॉयलेटें खाली करता है, उत्सर्जन नहीं करता है वहां पर, देखिएगा तो उस जो निकलता है उस छिद्र का नाम क्या हो जाएगा आपका, एनल, एनल बोला जाता है, अंग्रेजी वर्ड है एनल। और जबकि यही वाला छिद्र आपको लड़की में मिलेगी उसको भी क्या बोला जाता है, एनल ही बोला जाता है। तो ये कॉमन है तो सबको हमको टेंशन लेकर के नहीं चलना है। अब बताइए तो कि अगर यहाँ पर देखिएगा तो थोड़ा सा एक चीज और समझिए कि ये जो क्लाइटोरस होता है ना, क्लाइटोरस एक काम तब करता है जब कोई व्यक्ति रिलेशन बनाते रहता है, रिलेशन समझ में आ रहा है, जैसे स्पर्म उसमें क्या, तो स्पर्म के दौरान उसको उत्तेजना पैदा करने के लिए क्या होता है, एक क्लाइटोरस होता है। क्लाइटोरस को मतलब इसको जैसे इसको स्पर्श करोगे ना तो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आदमी उत्तेजित हो जाता है, तो एक क्लाइटोरस का काम होता है। आज इसका ये वाला हिस्सा जो होता है ना छिद्र, आप बाहर से देखिएगा तो आपको नहीं दिखेगा, ये छिद्र बाहर से नहीं दिखता है, बल्कि ये एक झिल्ली से ढका हुआ रहता है। इस झिल्ली से क्या होता है, ढका हुआ रहता है, और ये जो झिल्ली होती है ना, वो झिल्ली जो ढका हुआ रहता है तो इसके अंदर में आपको चिपचिपा द्रव मिलेगा, मतलब ये पूरी तरह से ड्राई नहीं होता है, पूरी तरह से ड्राई नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर में आपको क्या मिलेगा, चिपचिपा द्रव मिलेगा, और वो द्रव जो होता है अम्लीय होता है, अम्लीय हो होता है, यानी कि इसको में क्या माना पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, याद रखिएगा अम्ल, याद रखना अम्ल पाया जाता है। तो आपसे एक नंबर के सवाल पूछ सकता है, हम और आगे पढ़ाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि योनि में जब स्पर्म जाते हैं तो फर्स्ट दौरान यानी कि सबसे प्रथम बार भी योनि में स्पर्म मरने लगते हैं, तो वो स्पर्म मरने का मेन रीजन क्या होता है, तो मेन रीजन होता है कि जो लड़कियों के यानी कि फीमेल का जो वजाइना होता है उस वजाइना में क्या पाया जाता है, अम्ल, और उसी अम्ल के कारण क्या होता है, मरने लगते हैं। या आगे जाइएगा तो एक चीज और समझिए कि स्पर्म जैसे जाएगा तो बताइए तो एक चीज और यहां से समझ करके आप कि अगर कोई स्पर्म को इस यूरेथ्रा में डालता है, यानी स्पर्म को यूरेथ्रा में छोड़ता है, तो क्या वो गर्भाशय में स्पर्म जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका रास्ता कहाँ खुलेगा जाकर के, इसका रास्ता खुलेगा, सुन बोलना जरूरी होता है, इसका रास्ता खुलेगा जाकर के कहाँ, मूत्राशय में, और मूत्राशय में जाएगा तो वहां फिर कोई काम उसका नहीं है। देखिए अब इसके अंदर एंट्री मारिए, बताइए तो स्पर्म को गर्भाशय तक जाने में कौन सा छिद्र का यूज किया जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, नहीं क्लाइटोरस छिद्र थोड़ू ना होता है, क्लाइटोरस तो एक मास की तरह ऊपर हल्का सा निकला हुआ रहता है, उसके अंदर में जैसे उसके मतलब नीचे आओगे तो यूरेथ्रा होता है, उसके नीचे आओगे तो बलवा होता है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ना बलवा, इसके जो बलवा जो होता है ना वो पूरी तरह से पैक होता है, और इसके बीच में यहाँ पर देखिएगा नहीं पतला सा, बहुत पतला सा झिल्ली होता है, ये दिखाई नहीं देता है, इसको हाइमेन बोला जाता है, ये जो झिलिया होता है पतर का, इसको हाइमेन बोला जाता है, हाइमेन,
ठीक है, ये झिल्ली को क्या बोलेंगे, हाइमेन बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि ये हाइमेन इतना कमजोर होता है कि हल्का फुल्का भी कोई काम करेगा तो हाइमेन टूट जाएगा, ये हाइमेन टूट जाएगा। तो हाइमेन टूट जाता है, तो जब हाइमेन टूटता है उस समय थोड़ा सा ब्लीडिंग भी होता है, यानी कि खून वगैरह निकलता है। तो याद रखिएगा कि हाइमेन आजकल के डेट में देखिएगा तो मोस्ट ऑफ द जो गर्ल्स होती है वो बहुत ज्यादा वर्क कर लेती है। जैसे आप हल्का सा भारी सामान लेकर के सीढ़ी पर चढ़ गए तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है, हाइमेन टूट जाता है। या आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाने के दौरान क्या होता है, हाइमेन क्या होता है, टूट जाता है। तो हाइमेन टूट जाता है तो वो सब क्या हो जाता है, ये मतलब फिर अगर इसको देखोगे तो हाइमेन नहीं जाता। तो इसमें लोग गलत गलत पास हो जाता है कि हाइमेन क्या होता है, ये मतलब पुरान करता होता है, लोग गलत इसको भावना समझता है। जिसका हाइमेन नहीं रहेगा उसको लोग खराब दृष्टि से देखता है। तो ऐसा नहीं है, ये हाइमेन क्या होता है आजकल के लड़कों में कॉमन है, टूटना ही टूटना है। और जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे बोला जाता है गर्भाशय। याद रखिएगा कि मेन यहाँ जो होता है ना, यही गर्भाशय होता है और यही बच्चों को जन्म देने में या बच्चा को पालने में मेन काम करता है। यहाँ आपको मिलेगा अंडाशय, अंडाशय में ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं अंडाणु, अंडाणु। और अंडाणु जो होता है ना, जैसे ही आप परिपक्व हो जाएगा, यानी कि 12-14 साल के आप हो जाओगे, तो ये क्या करता है, अंडाशय हर मंथ एक एग्स को बाहर करेगा, एक एग्स को बाहर करेगा। और ये एग्स फिलिपियन ट्यूब में क्या करता है, स्पर्म का इंतजार करता है। तो जैसे ही स्पर्म यहाँ छोड़ोगे तो स्पर्म याद रखिएगा कि लाखों की संख्या में होती है, स्पर्म जो होता है लाखों की संख्या में होती है। स्पर्म का आप देखिएगा आकृति लगभग इस तरह से इसको पूंछ होता है, इसका ये वाला हेड होता है। इस पूंछ के सहारे क्या करता है, आगे जाता है। तो याद रखिएगा कि ये जो पूंछ के सहारे जाता है आगे, तो यहाँ पास क्या होता है कि इसको लाखों की संख्या में जब छूटता है तो लाखों की संख्या में स्पर्म यहाँ नहीं पहुंच पाता है, यहाँ आपको 10-12 स्पर्म ही पहुंचेंगे। 10-12 स्पर्म जैसे यहाँ पहुंचेगा तो और जो लाखों की संख्या में स्पर्म यहाँ आया था वो स्पर्म जाता कहाँ है। तो याद रखिएगा कि ये स्पर्म में हम जस्ट आपको बताया कि इसका जो योनि होता है कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीयता के कारण ढेर सारा जो कमजोर स्पर्म होता है वो यहीं मर जाएगा, और इसके बाद कुछ स्पर्म बचेगा। तो कुछ स्पर्म बचता है तो वो आगे चल के यहाँ हाइमेन के जस्ट ऊपर जाइएगा तो एक झिल्ली रहता है, वो झिल्ली में फंस फंस करके क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा बचेगा तो यहाँ जाएगा। तो मान के चलो कि यहाँ लाखों की संख्या में है तो यहाँ हजार की संख्या में आएगा। तो मान के चलो कुछ स्पर्म इधर चल जाएगा, उसको रास्ता नहीं दिखल रहेगा तो इधर जाएगा, कुछ स्पर्म इधर जाएगा। तो कुछ स्पर्म अगर इधर जाएगा तो एक्स यहाँ इंतजार कर रहा है तो इधर वाला स्पर्म जाकर के क्या हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके फिलिपियन ट्यूब के ऊपर में ऐसा ऐसा धागा निकला रहता है, यानी झिल्ली निकला हुआ रहता है ये, ठीक है, ये झिल्ली। तो ये झिल्ली में यहां से यहां तक जाने के क्रम में क्या होता है कि कुछ जो स्पर्म होते हैं वो एकरे में बच जाएगा इस झिल्ली में, और झिल्ली बच करके वहां प्राण तोड़ देगा, यानी मर जाएगा। और मर जाएगा तो इन सबों में 10-12 स्पर्म जो होते हैं वो जा करके क्या होता है, यहां मिलता है स्पर्म में, कहां मिलता है, यहाँ अंडाणु में। तो जैसे ही ये स्पर्म जाकर के अंडाणु में मिलेगा, तो याद रखिए कि अंडाणु में स्पर्म को मिलना, ठीक है, मिलना निषेचन कहलाता है। तो बताइए तो कि स्पर्म यहाँ जाकर के मिला है तो यहाँ क्या काम हो रहा है, निषेचन का। तो आपसे एक नंबर के सवाल पूछ सकता है ना कि जो निषेचन की क्रिया होती है महिलाओं के जनन तंत्र में वो किस भाग में होता है, तो फिलिपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है, फिलिपियन ट्यूब, यानी कि अंडवाहिका में होता है। और जैसे ही मिलेगा ना, तो याद रखिए कि एकरा पर इसका ऊपर वाला लेयर जो होता है हार्ड होता है, हल्का क्या होता है, हार्ड होता है। तो इसको भेदने के लिए भी इसको में क्या होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए। तो 10-12 यहाँ पहुंचेगा और 10-12 क्या करेगा, इसको भेदने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन इसमें जो सबसे पहले यानी कि सबसे स्ट्रांग होगा वो क्या करेगा, भेद देगा। और भेदेगा तो बाकी जैसे ही अंदर हिलेगा तो इसका ये वाला पूंछ जो होता है टूट जाता है, पूछ टूट करके बाहर चला जाएगा और ये वाला हेड इसके अंदर में आ जाएगा। तो इसके अंदर में आएगा तो ये वाला हेड कुछ ऐसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा ना। तो जैसे ही इसका एंट्री होगा ना, तो इसके ऊपर में यानी जो ये अंडाशय होता है इसको ऊपर में एक लेयर बन जाता है। ये क्या बनता है, एक लेयर। और ये लेयर हार्ड होता है, इतना हार्ड होता है
कि अंडाणु इसको और जो बाहर से कोशिश कर रहा था वो इसको छेद कर ही नहीं सकता है, और नहीं छिद्र कर सकता है तो वो स्पर्म वहीं पास क्या हो जाता है, तड़प करके मर जाता है। और मर जाएगा तो यहाँ जब घुस गया अंदर में, तो घुस गया तो इसको बोलेंगे जाइगोट, घुस गया तो इसको बोलेंगे जाइगोट। और जब मिला होगा जिस समय, उस समय उसको क्या बोलेंगे, निषेचन, उसको निषेचन। और निषेचन के जस्ट बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है, याद रखिएगा। इसको मिलना कहलाता है निषेचन, निषेचन। और निषेचन के बाद जस्ट बनता है क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट। और जैसे ही जाइगोट बनेगा ना, तो यही से बच्चा का निर्माण शुरू, और बच्चा का निर्माण शुरू हो जाएगा तो यही वाला जाइगोट खिसक करके यहाँ आ जाएगा गर्भाशय में। और जब गर्भाशय में स्थापित हो जाएगा ये वाला अंतर के, तब एकरा नाम रहेगा भ्रूण। याद रखिएगा कि जब यहाँ पास है तो इसको क्या बोलेंगे, जाइगोट, जैसे समझ जाओगे जाइगोट। और ये वाला जो बन गया इसको भ्रूण बोलेंगे, भ्रूण, इसको भ्रूण बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि भ्रूण बन गया ना, तो भ्रूण आपका जब तक माँ के पेट में बच्चा है तब तक वो भ्रूण ही कहलाएगा, यानी 9 महीना तक क्या क्या कहलाता है, वो भ्रूण। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बच्चा, यानी शैशवावस्था बोलते हैं। और जैसे ही 5 साल तक रहता है शैशवावस्था में, उसके बाद जैसे ही जाएगा तो बाल्यावस्था, और इसके बाद वाली आप जानते हैं किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो ये भ्रूण होता है। तो याद रखिएगा कि भ्रूण का निर्माण, अगर भ्रूण का देखिएगा तो भ्रूण में कुछ आदमी का निर्माण ना हो गया, तो आदमी का निर्माण होने का मतलब कि इसको खाना पीना भी चाहिए। अब अंदर है तो खाएगा कि नहीं, इससे हम लोग खाना पीना खाते हैं, तो इसको खाने के लिए जो मिलता है वो खाने के लिए देगा कौन, तो खाने के लिए देता है। इसके बाहर में एक दीवार होता है जिसको हम लोग गर्भाशय की दीवार बोलते हैं, और इसके दीवार से जुड़ा हुआ रहता है एक पाइप जिसको प्लेसेंटा बोला जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। इसी प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, इस भ्रूण को पोषण होता है। अब बताइए कि जो खाएगा उत्सर्जन भी करेगा, उत्सर्जन करेगा तो उसको रास्ता होना चाहिए उत्सर्जन के लिए, तो उत्सर्जन के लिए भोजन के लिए दोनों जो रास्ता होता है क्या होता है, प्लेसेंटा ही होता है। याद रखिएगा कि प्लेसेंटा, ये क्या है, प्लेसेंटा। तो आपसे पूछ सकता है कि जो भ्रूण होता है, यानी पेट, माँ के पेट में जो बच्चे होते हैं उसको खाने का कौन सा रास्ता है और उत्सर्जन करने का कौन सा रास्ता है, तो दोनों के लिए क्या होता है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, दोनों के लिए क्या होता है, प्लेसेंटा। अब समझिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहां जब भ्रूण बन करके तैयार हो जाता है, तो याद रखिएगा कि ये जो बच्चा होता है ना, ये बच्चा का मुड़िया ऊपर रहता है, जो बच्चा गर्भाशय में होता है उसको मुड़ी किधर रहता है, ऊपर की ओर रहेगा, और इसका पैरवा जो होता है ना नीचे की ओर होता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका देखिएगा, उसका पैर जो होता है ऊपर हो जाएगा और मुड़िया नीचे हो जाएगा। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो मुड़ी के मुंह जन्म लेता है, उसका पहले कुछ निकलता है मुंह निकलता है, उसके बाद आपका क्या निकलता है, पैर। जैसे जानवर का बच्चा देते हुए देखे होंगे आप लोग, गाय भैंस या बकरा बकरी, सबसे पहले क्या आता है, मुड़ी आता है, सबसे पहले मुड़ी आता है। आप बताइए तो कि गर्भाशय के अंदर में आप देखिएगा तो एक मुड़ी तो ऊपर में है, लेकिन जब जन्म लेता है उस समय का मुड़िया नीचे हो जाता है। ऐसा अंदर में कोई ना कोई होगा ना जो इसको घुमा देता है, कोई ना कोई इसको घुमा देता है। और यही जब कोई घुमा नहीं पाता है इस मुड़ी को, तो उस सिचुएशन में महिला का ज्यादा चांस रहता है कि मर ही जाएगी, महिला क्या हो जाएगी, मर जाएगी, और नहीं तो फिर उसको डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा, ऑपरेशन कर देगा, ठीक है। अब देखिए घुमाने के लिए क्या होता है, जब इसको और थोड़ा सा हम लोग अंदर चलते हैं, ये अंडाशय आपको दिख रहा है, अंडाशय से 3 हार्मोन निकलता है, एक एस्ट्रोजन, आपको पता भी स्त्री हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री एस्ट्रोजन बोलते हैं। उसके बाद एक और हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन, और एक और हार्मोन होता है जिसे हम लोग रिलैक्सिन बोलते हैं। देखिए ये 3 हार्मोन जो होता है मोस्ट एकदम इम्पोर्टेंट होता है, इसका आप याद रखिएगा कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ना, महिलाओं में अंडाणु को विकसित कर देता है, अंडाणु को विकसित कर देता है, और इसी वजह से इसके अंदर में क्या आता है, पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मेट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है हर महीने, उसको क्या होगा, हाँ मेट्रुअल साइकिल हो गया, जो शॉर्ट में एमसी बोला जाता है, वो आएगा। तो वो उसका मेन देन कौन होता है, एस्ट्रोजन, उसका मेन देन होता है एस्ट्रोजन। और जैसे ही आप जाइएगा तो याद रखिएगा कि बच्चा जब
कि जो अंडाणु होता है वो जब बन जाएगा तो उसको अंदर में कोई ना कोई प्रोटेक्शन देना चाहिए, वरना बच्चा मर जाएगा। तो बच्चा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो बच्चा को प्रोटेक्शन देने का जो काम करता है वो जो प्रोटेक्शन देता है बचाने का काम करता है वो हार्मोन होता है प्रोजेस्ट्रॉन। बच्चा को अंदर में रक्षा कौन करता है, प्रोजेस्ट्रॉन। वरना इसके अंदर में ऐसा ऐसा चीज होता है ना कि अगर डायरेक्टली इसको क्या कर दिया जाए, इस पे रख दिया जाए तो उसको खत्म कर देगा बच्चा को। बच्चा इतना सेफ होता है कि अंदर में जब देखोगे तो ये जो बच्चा होता है थैली में बंद रहता है, बैग में थैली में क्या रहता है, बंद रहता है इस तरह से। ये आपका इस तरह से क्या होता है, थैली में पैक रहता है। तो देखिएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो जन्म लेने से पहले जो महिलाएं होती है उस महिलाओं को बहुत सारा क्या होता है, द्रव के रूप में बाहर आता है पानी उन्हें, मतलब जिसको बोला जाता है, वो सब डॉक्टर अच्छा सा आपको समझा देगा। तो वो जो पानी वगैरह आता है ना उसको यही थैला क्या हो जाता है, फट जाता है और फट करके वो बाहर आ जाता है। तो बाहर आता है तो याद रखिएगा कि इसको प्रोटेक्शन देने का काम कौन कर रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन। तो प्रोटेक्शन मतलब कौन चीज, सुरक्षा, और सुरक्षा तो प्रोटेक्शन सब समझिएगा प्रोजेस्ट्रॉन। रक्षा देने का काम क्या होता है, ये प्रोजेस्ट्रॉन का होता है। तो बच्चा को रक्षा किस हार्मोन द्वारा होता है, तो प्रोजेस्ट्रॉन। आप बताइए तो कि ये जब बच्चा जन्म लेगा तो बताइए कि इसका जो छिद्र होता है योनि का थोड़ा सा होता है, ज्यादा बड़ा छिद्र नहीं होता है, लेकिन बच्चा जन्म लेता है तो आप देखिएगा क्या हुआ है। चलिए देखिए, ये आपका प्रोजेस्ट्रॉन क्या था, प्रोटेक्शन दे रहा था। और इसके बाद जो बनता है ये बच्चा को प्रोटेक्शन देगा। तो याद कीजिए कि ये बच्चा जब जन्म लेगा तो जन्म के समय क्या होता है, इस बच्चा का साइज बड़ा होता है, और जबकि ये वाला आप देखिएगा तो योनि में जो छिद्र होता है छिद्र का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो उतना बड़ा चीज को आप यदि छोटे चीज से निकालिएगा तो ज्यादा आपको दर्द होगा। आप नॉर्मल ऐसे समझिए कि आपको चूड़ी आपको दिख रहा होगा, और उस चूड़ी को यदि आप हाथ में पहनते हो तो यहाँ पर ज्यादा मोटाई हो जाता है, पहनने के दौरान छिला उला भी जाता है। तो यहाँ पर जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के समय एक महिला को इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि उससे 30 गुना कम दर्द दिया जाए पुरुष को तो पुरुष मर जाएगा। आप इसको ऐसे समझिए ना कि जिस दर्द में या जितना दर्द करता है उस दर्द में एक पुरुष को मृत्यु हो जाएगा, उससे 30 गुना अधिक दर्द कहाँ होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तब। तो बताइए तो कि क्या उस दर्द के कारण महिलाएं मर जाती है, नहीं मरती है। तो उसको कोई ना कोई होगा जो क्या कर रहा होगा, उस दर्द को कम कर रहा होगा, यानी रिलैक्स पहुंचा रहा होगा। तो वो जो रिलैक्स हार्मोन होता है ना, यही होता है रिलैक्सिंग हार्मोन। तो रिलैक्सिंग हार्मोन क्या करता है कि इसको स्रावित होता है और इसकी दर्द को क्या कर देता है, कम कर देता है। और कम कर देता है तो महिलाओं को क्या होता है, दर्द महसूस नहीं होता है। यही रिलैक्सिंग हार्मोन कम हो गया था मुमताज महल को, शाहजहां की पत्नी मुमताज महल 14 को बेटा हुआ था। मतलब समझ जाइए आप कि गधा के एकदम फैक्ट्री बनाई ले था मशीन, साले साल चल रहे। अब बताइए तो कि 20-22 साल की एज में उसको 14 को सोचता है दादे को फैक्ट्री बना दिया। आप बताइए तो उस समय उसका यही खत्म हो गया था रिलैक्सिंग। जब उसका 14 हमारा लड़का जन्म ले रहा था ना, तो मुमताज महल मर गई थी, और मर गई थी तो शाहजहां उसके याद में बना दिया ताजमहल, उसके याद में बना दिया ताजमहल। ले आज भी हम लोग ताजमहल देखने जाते हैं तो ताजमहल जो होता है किसके यादगार में बनाया, तो मुमताज महल का। अच्छा हकीकत तो है, देखिए ये रिलैक्सिंग हार्मोन जो होता है ना, कमी मेन इसका रीजन होता है कि आयरन की कमी हो जाती है, जिंक की कमी हो जाती है। तो ये सब की कमी की वजह क्या होता है कि उसको इस सब हार्मोन कम हो जाता है। देखिए अगर जिसको जनरली जो प्रेग्नेंट औरत होती है वो जनरली चेकअप के लिए जाती है कहाँ, मेडिकल में, तो उसको डॉक्टर सलाह देता है कि आप ये चीज लीजिए, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि जो गोलियां देता है वो गोली क्या करता है, इसको खत्म कर देता है। देखिए अगर कोई लड़की मतलब औरत प्रेग्नेंट है तो उसको काम करने से बचना नहीं चाहिए, समझदार बात। कोई प्रेग्नेंट हो जाएगी बोलेगी हम प्रेग्नेंट, हम नहीं काम करेंगे, बाकी लोग कहेंगे काम नहीं करोगे तो आपको एकदम गारंटी है कि डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा। ऑपरेशन कर देगा तो पहली बात है ऑपरेशन का खर्चा आपको 30,000-35,000 पड़ जाएगा। दूसरी बात, साल भर दौड़ते रहिए डॉक्टर साहब
इधर पटला हुआ पटला दौड़ी तरह। तो सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आप काम धाम करिए, काम धाम से चुकना नहीं, वो अलग बात है कि आप प्रेग्नेंट है तो आप भारी काम नहीं कीजिए। कपड़ा धोना है तो आप धोइए, अब कपड़ा बहुत सारा है या बोझा है तो उस बोझा जैसे घर में गेहूं धोते हैं तो उसको धोने में कोई गलती नहीं है, प्रेग्नेंट है तो भी आप काम कीजिए। लेकिन उसको अगर मान के चलिए कि धोने है बहुत सारा गेहूं है तो उसको ले जाने के लिए आपको उसको नहीं देना चाहिए। हाँ, आप उसको ले जाकर के छाता पर सुखा दीजिए, चढ़ा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेग्नेंट है तो काम में नहीं करोगे, काम करना चाहिए। और जब काम करोगे तो ये सब क्या होता है, हार्मोन्स एक्टिव रहते हैं। तो जनरली देखोगे ना तो सीबीएसई बोर्ड वाला जो होगा ना, अरे मतलब उससे थोड़ा सा सुकुमार होती है, फूल होती है, तो वहां पास देखिए ना तो उन लोग की जनरली जो डिलीवरी होता है ना वो जनरली मेडिकल में ही होता है। तो मेडिकल में होने के पीछे उसका मेन कारण क्या होता है कि उसका ये सब खत्म हो जाता है, रिलैक्सिन हार्मोन खत्म हो जाएगा, मर जाएगी तड़प के ऐसे ही, तो मर जाएगी तो बताइए तो गड़बड़ है कि उससे बढ़िया कि आप काम करते रहिए। हाँ, ये अलग चीज है कि आप इस दौरान में थोड़ा सा आप खाते पीते रहिए, थोड़ा सा आयरन खाते रहिए, आयरन आपको केला में मिलता है तो केला से खाते रहिए, मतलब फल वगैरह खाते रहिए। तो लोग डव वगैरह भी खाते रहे, जब प्रेग्नेंट रहेगा तो डव, तो उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होता है कि हम खाएंगे तो हमारा जो आने वाला संतान होगा वो गोर होगा, आने वाला गोर हो जाए गजीब गजीब। हाँ, उसका मम्मी पापा का डीएनए करिया वाला है तो तुमको केसर और केला खा से वो गोर हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो ये सब जो होता है ना जनरली प्रेग्नेंट के दौरान ये सब चीजें को एक्टिव होना चाहिए। सब एक्टिव करने के लिए हमेशा आपको क्या है, काम धाम करते रहना चाहिए। अगर काम धाम नहीं कीजिएगा तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपका क्या था, मादा जनन तंत्र। और इसके बाद फिर हम लोग को ये पढ़ना है कि अगर इस दौरान इसका फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। जैसे आप कीजिए कि रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, सॉरी मतलब लड़कियों में 12 से 14 साल यानी 11 से लेकर के ऊपर चले जाइए 12 13 साल के एज में क्या होता है, पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब पीरियड से जब स्टार्ट हो जाता है तो ऐसा थोड़ू ना कि स्टार्ट हुआ तो तुरंत मदर बन गई, ऐसा नहीं है। तो उस दौरान क्या होता है जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो उस चीज को हम अगले क्लास में आपको बता देंगे। तो आज आपको ये चीज समझ लेना चाहिए, ठीक है। अब इसको आप राइट